राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुष्कर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा और बताया कि पुष्कर परिक्रमा मार्ग में कई समस्याएं हैं और पुष्कर सरोवर में जाने वाले सीवरेज के पानी को रोकने की आवश्यकता है, जिससे कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस न पहुंचे। लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आई है और उन्होंने खुद ने भी पुष्कर परिक्रमा मार्ग पर जाकर यह सभी चीजें देखे हैं। ऐसे में उन्होंने पुष्कर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं और उन समस्याओं को किस तरह से जल्द दूर किया जा सके इसके निर्देश भी दिए हैं। मैं 5 दिवसीय पदयात्रा पुष्कर की, जिसको 24 कोसी परिक्रमा कहते हैं, वो मैं करके रात को अजमेर आया हूँ। कल हरियाली हाउस थी, कल हमारी यात्रा का समापन हुआ और मुझे इतना सुखद अनुभूति हो रही है कि यात्रा मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। जो गायत्री शक्तिपीठ वाल शक्तिपीठ द्वारा आयोजित इस यात्रा में उन्होंने कहा था कि इस यात्रा के रास्तों को सुगम बनाया जाए और जो यात्रा में पदयात्री चलते हैं उनके लिए रुकने की, उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार करे। तो इसी भाव से मैंने यात्रा करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो जो यात्रा में परेशानी आई, जो जो मेरे को लगा कि ये इस यात्रा में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हर सेक्टर को उन्होंने बजट में मतलब अच्छे से अच्छा बजट दिया, यानी चाहे कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मामला हो, चाहे 10 लाख का बीमा लागू करने की बात हो, और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। अजमेर जिले को भी उन्होंने बहुत दिया है। मैं RTDC का चेयरमैन हूँ, हमारे पर्यटन विभाग को भी 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष के लिए उन्होंने बजट दिया है और हर ज़िले में 2-2 पर्यटन स्थल और विकसित हों इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणाएँ की है। पुष्कर में जो गंदा पानी पुष्कर में जा रहा है उसकी रोक लगे और उसकी पवित्रता बरकरार रहे इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में बजट घोषणा की थी। तो मैं अभी जिला कलेक्टर महोदय, हमारे जो ADA के जो कमिश्नर है अक्षय गोदारा जी, सेक्रेटरी हैं वो, इन सबसे चर्चा इस पूरे पुष्कर की पदयात्रा के मार्ग में क्या और सरकार की तरफ से होना चाहिए, मैंने उनको सुझाव दिए हैं। और पुष्कर का गंदा पानी की तत्काल रोक लगे, क्योंकि कल मैं जब गया वहाँ पदयात्रा समापन पे, जब पूजा करी सरोवर की, हमारे साथ में तमाम कांग्रेस के नेतागण भी थे, हमारे पूर्व विधायक पुष्कर गोपाल भाई जी थे, रामस्वरूप चौधरी जी थे, पुष्कर नगर पालिका के सारे पार्षद थे, पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन जो रहे दामोदर जी सहित सभी लोग थे, और पुरोहित संघ वहाँ का इतना मतलब उन्होंने इतना तीखे अंदाज में, आज एक अखबार ने लिखा भी है कि तीखे अंदाज में उन्होंने कहा साहब कि ये गंदा पानी आता है, हमारी आस्था को बहुत चोट लगती है। तो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी, अब उसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो, उसकी DPR बनाने के लिए ADA ने प्रस्ताव RUIDP को भेज दिया था, लेकिन RUIDP ने कुछ तकनीकी खामियां उसमें